न्यूज़ क्लिक की तरफ से इस समय हम बैठे हैं बुडाना में। बुडाना मुजफ्फरनगर महापंचायत की तैयारी में जुटा हुआ है और हमारे साथ इस समय एक बिल्कुल दूसरे ढंग का चेहरा जो इस किसान आंदोलन का है, गुलाम मोहम्मद जी, वो जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा इनका परिचय मैं आपको करा दूं। यह वह शख्स हैं जिस समय यहाँ पर किसान आंदोलन और किसान आंदोलन से जुड़े नेता सांप्रदायिक रंग खेलने लग गए थे। 2013 में जब मुजफ्फरनगर जलाने की साजिश हो रही थी, उस समय यह किसान आंदोलन से अलग हो गए थे, BKU से अलग हुए थे। इन्होंने बहुत दृढ़ता से स्टैंड लिया, अपना अलग संगठन बनाया और कहा कि किसान को धर्म के आधार पर बांटना किसी भी सूरत में गवारा नहीं। लेकिन जब 2021 में जनवरी में जिस तरह से किसान आंदोलन को क्रश करने की तैयारी हुई, टिकैत को चारों तरफ से मोदी सरकार ने घेर लिया, वो मंच पर आकर उनके आंसू झलके, उस समय सबसे पहले आगे बढ़कर आने वाले यही गुलाम मोहम्मद जी थे। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ आएंगे बशर्ते आप माफ़ी मांगिए। यहाँ पर इसी इलाके में जहाँ महापंचायत हो रही है, यहाँ दोबारा पंचायत हुई, उस पंचायत में खड़े होकर इन्होंने कहा कि जो 2013 में गलती की किसान आंदोलन ने, उसके लिए किसान आंदोलन के नेताओं को माफ़ी मांगनी होगी। हिंदू मुसलमान जिस तरह से किया गया, उसके लिए माफ़ी मांगनी होगी। भाजपा का जो समर्थन किया, उसके लिए माफ़ी मांगनी होगी। और इस 84 साल के बुज़ुर्ग की आवाज़ बहुत दमदार निकली। BKU नेतृत्व ने माफ़ी मांगी और तब से लेकर आज तक दोनों लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन को आगे की रणनीति के साथ किस तरह से वो बढ़ा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और 2022 के चुनाव में क्या असर होगा, इस पर उनका क्या विचार है। ये बताएं कि अभी क्या स्थिति है, महापंचायत होने जा रही है, महापंचायत से क्या संदेश जाएगा? महापंचायत बहुत बड़ी पंचायत है जी, आज तक ऐतिहासिक पंचायत होगी। ऐसी पंचायत आज तक मुजफ्फरनगर में नहीं हुई और मेरे ख्याल में कल से ही इतना बाहर का आदमी आना शुरू हो गया है कि व्यवस्था जो है चरमरा रही है। होटल चल रहे हैं, खाना चल रहा है, सब जगह बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं। ये पूरा इलाका भाजपा के पास है, यहाँ से विधायक, भाजपा के सारे सांसद भाजपा के, उसमें आपको क्या लगता है कि ये जो अभी पंचायत है, इससे क्या कुछ तस्वीर बदलेगी? उम्मीद तो यही है जी, तस्वीर बदलनी चाहिए, क्योंकि करीब करीब सारे हिंदुस्तान के सब प्रदेशों से आदमी आ रहे हैं और यूपी के तो करीब करीब सभी जिलों से आदमी आएंगे। काफ़ी उम्मीद है कि इस पंचायत से कुछ ना कुछ सरकार पर असर पड़ेगा और ये निर्णय जो है, अगर हमारी सरकार नहीं सुनना चाहती कुछ, तो करीब 40 संगठन जो संयुक्त मोर्चे के नाम से मशहूर हैं, उनका संयुक्त मोर्चा बनाया है, वो निर्णय वही लेंगे पंचायत में। वो क्या निर्णय लेंगे भाई, हम इस पंचायत को जो है अपने बॉर्डर पर लेकर चलें या कैसे आंदोलन चलावें, ये निर्णय तो वही लेंगे। ये जो पूरा इलाका है, ये 2013 में जला था, यहाँ हिंदू मुसलमान तनाव हुआ था, दंगे करवाए गए थे, जिन लोगों ने दंगे कराए वो मंत्री बने, उनकी सरकारें आईं, उस समय आपका काफ़ी विरोध था यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन है टिकैत जी से, उसके बारे में बताइए। ये 13 की जो झगड़ा था, उसमें जो विरोध था, वो हमारी 29 जनवरी को पीछे जब राकेश का वो किसान आंदोलन में रोए थे, उसके बाद में मुजफ्फरनगर में इसी मैदान में जहाँ पंचायत होने जा रही है उसमें ही है, पंचायत हुई थी, लाखों आदमी था उसमें। तो उसमें हमने वो दो बात रखी थी भाई, एक बात तो यह है कि आपने अजीत सिंह को हराया, भाजपा को वोट दी, और दूसरी यह है कि तुमने 13 में जो है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया और मारे हैं। तो ये दो गलती आप लोगों ने करी है, अगर आप इन्हें गलती मानते हो तो हम समझौता करने को तैयार हैं। तो उन्होंने अपनी गलती मान कर कहा कि यह गलती हमसे हुई है, तो हम और वो एक हो गए हैं, अब कोई मतभेद नहीं है हमारा। आपने जो अपना संगठन बनाया है, इस संगठन का क्या उद्देश्य है? आपने इसमें बड़ा बड़ा लिखा है अराजनीतिक। अराजनीतिक है जी, बस हमारा उनका समझौता हो चुका है, कहीं उन्हें ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे, हमारी ज़रूरत पड़ेगी वो आएंगे, कोई भी समस्या होगी सरकार के साथ तो हमारा साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे।
क्योंकि पहले हम किसान यूनियन में रहे, तो अब जो कितने साल आप किसान यूनियन में थे? मैं 87 से और 13 तक रहा, 27 साल। बस मेयर टिकैत साहब दो ही आदमी ज़्यादा हम रहे उसमें। वैसे तो जनता बहुत थी, आंदोलन सब हमने लड़े खड़े होकर, बहुत आंदोलन लड़े, मेरठ आंदोलन लड़े, भोपा आंदोलन लड़े, बोट क्लब लड़े, रजबपुर लड़े, बहुत वो लड़े। तब के आंदोलन और अब के आंदोलन में क्या अंतर दिखाई देता है? नहीं, वो चौधरी साहब के सामने जो आंदोलन थे उस टाइम सरकार और थी, उन्होंने हमारी बहुत मांगे स्वीकार करी। ये सरकार जिद्दी है, ये हमारी कोई मांग मानने को तैयार नहीं, इतना फर्क है। वो सरकार जो थी केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ पर अखिलेश की थी, या मायावती की रही, दो तीन मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमारी मांग स्वीकार करी। जब भी हमारा आंदोलन हुआ उन्होंने हमारी मांगें स्वीकार करी। ये भाजपा सरकार जब से आई है इन्होंने हमारी कोई मांग स्वीकार नहीं करी। इन्होंने तो किसान मजदूर व्यापारी तीनों बर्बाद कर दिए, सारा देश बेच कर डाल दिया, सब चीज़ बेच दी। आपको क्या लगता है कि जो अभी हाल है यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान के मुद्दों पर, तो क्या योगी सरकार जाएगी 22 में? उम्मीद तो ये कर रहे थी, कोशिश तो ये कर रहे, इस पंचायत से जो है ना भगा दें। अब ये तो कुदरत का खेल है जी, वो क्या पलट मार दे। लेकिन उम्मीद ये है कि इस पंचायत से ये निर्णय साबित हो जाएगा कि सरकार वापस हो जाएगी। लेकिन वो तो इतना मुफ्त राशन भी बांट रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं किसानों को, गन्ना का भी पैसा बढ़ा दिया है। नहीं, कुछ नहीं बढ़ाया, जो गन्ने का झूठ बोल रहे हैं, चार साल में कोई पैसा नहीं बढ़ाया, 5 रुपये बढ़ाए, जबकि पंजाब ने 50 रुपये बढ़ाए। गन्ने का बढ़ाना तो जब है, जबकि हमारा पिछला पेमेंट कर दे, साल भर का गन्ना का पेमेंट नहीं दे रहे हमें। हमारा जो है बिजली का दर बढ़ा दी, हरियाणा में जो है मतलब 200 रुपये पावर है, मतलब एक महीने का बिल यहाँ 1200 रुपये का है, तो वहाँ भी भाजपा है, यहाँ भी भाजपा है। तो हमें तो इन्होंने मतलब सारे किसान को यहाँ के यूपी के किसान की तो बेसुनी कर रहे, बात कोई बात सुनने को तैयार नहीं। सरकार के पूरा जनसमूह आपको पंचायत में दिख जाएगा, कितने जनसमूह उसके खिलाफ है, और सभी तबके सभी कौम जो किसानों के हैं वो सब साथ हैं। अगर ऐसा होता तो क्या आपको लगता है कि सरकार तो कोशिश करेगी ना योगी जी या मोदी जी अपनी सत्ता बचाने की, तो फिर वो अगर किसान पलटने वाले होते तो वो सरकार पलट सकते, तो वो सुनते नहीं किसानों की? किसानों की तो सुन लेते तो अच्छी बात है। 3 कानून वो काले कानून जो उन्होंने बनाए हैं, अगर वो वापिस ले लें तो हमें क्या जरूरत है आंदोलन करने की? हमारी बिजली की दर घटाओ, हमारे गन्ने का पेमेंट कराओ, अब गैस पर फिर 25 रुपये बढ़ा दिए, मतलब ये तो बढ़ाने बढ़ाने पर लग रहे थे, इसको बिल्कुल बेच दिया उन्होंने, इनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं, हमारी ज़मीन भी गिरवी रख दिया डानी या बाने का, इनके पास नहीं था। लेकिन ये जो अभी हिंदू मुसलमान का कार्ड दोबारा खेला जा रहा है, जिस तरह से तमाम चीज़ें हो रही हैं, इससे आपकी एकता फिर दोबारा नहीं टूटेगी? नहीं जी, अब हिंदू मुसलमान इनकी चाल को समझ गया है, हिंदू मुसलमान एकजुट है, एक दूसरे के पर मरने कटने को तैयार है, बिल्कुल इनकी बात में नहीं आने वाला कहीं तो। लेकिन 2013 में तो यहाँ पे बहुत हुआ ही था, 13 में जो झगड़ा हुआ था उसी से सबक मिला हमें हिंदू मुसलमानों को, अब हम एक माँ बाप के। लेकिन उससे क्या नुकसान हुआ, क्या सबक मिला उससे? नुकसान ये हुआ कि हमारे और मुसलमान के हिंदू के इतने अच्छे प्यार थे, वे ख़त्म हुए, सरकार की नीति थी पैसा देगा झगड़ा कराएगा, और वो कौम चुनी गई जाट और मुसलमान की। वो जाट और मुसलमान आपस में बहुत प्यार से रहते थे, तो उन्हीं को चुना, और हिंदू से कोई झगड़ा नहीं था, जाट से मुसलमान, और जाट मुसलमान का झगड़ा था, हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। उन्हें ये बात का पता था भाई जाट और मुसलमान सटे हुए कई जिले हैं इनके, आगरे से लगा कर यहाँ तक मुसलमान और जाट ही मिले हुए हैं, सब किसान भी आपस में, संगठनों में भी सब साथ ही रहते, एक साथ दूसरे के। तो ये जो पॉलिसी खेल ली थी उन्होंने यही जिले में जो आग बाली थी, ये सब भाजपा नेताओं की चाल थी, वो उनके कामयाब हो गए, सरकार में आ गए। ये लोग जो मंत्री और MLA बने फिर ना, कोई चौकीदार तो चुन नहीं सकता गाँव में, ये तो भाजपा के लहर में बन गए, और अब भी इन्होंने मतलब लूटपाट विचार की कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। मुसलमान 2013 के जख्म भूल जाएगा?
वो तो भूल गए जी, जो जख्म थे भाई, जो आदमी है वो तो उनके बस का है ना हमारे बस का है लाने, लेकिन सरकार ने भी बहुत मदद की है उस टाइम पे, और समाज ने भी बहुत मदद की है, बहुत मदद, इतनी मदद की कि वहाँ कच्चे मकान थे, यहाँ सबके पक्के मकान बने, सब सुविधा। अभी बहुत से गांव में मुसलमान वापस नहीं गए, जैसे कुटबा में एक भी गांव में एक भी व्यक्ति नहीं गया। कुटबा जो है जो गांव में उनके गांव में संजू बाल्यान के उनके यही पलड़ा गांव पड़ता है, कुटबे से उड़े वहाँ बसे हुए हैं अभी, वो उन्होंने कोशिश भी नहीं करी ले जाने की, तो इसलिए नहीं गए। कुछ वहाँ ये संजू बाल्यान ने झगड़ा करा कर जो है मारे थे मुसलमान, तो उसकी वजह से भी नहीं जाना चाहते। शाहपुर में है, कुटबे में है, काफ़ी लोग हैं बसे हुए। आपके गांव में क्या स्थिति है ज्वाला आपका गांव? हमारे गांव में तो कभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ ही नहीं, जबकि वहाँ 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है, आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना हमने कोई झगड़े की बात होने दी, आपस में बहुत बड़ा प्यार मोहब्बत है एक दूसरे से। दंगे से जो प्रभावित लोग थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में आपके यहाँ बसे हैं? हाँ, वो इसीलिए बसे कि हम हिंदू मुसलमान सभी मिलकर जो है इन गाँवों में से इन्हें निकाल कर लाए, ये निके मुसलमान ही थे, हिंदू भी हमारे साथ थे इन्हें लाने में और इनके बसाने में। जब वो आए थे, जब तक कोई मकान नहीं था, तो इन्हें अपने घरों में हिंदुओं ने भी रखे, मुसलमानों ने भी रखे, इन्हें घर दिए, जब तक इनके मकान नहीं बने इतने गांव में रही है हमारे घरों में। ये बताएं कि इस किसान आंदोलन की सबसे ख़ास बात रही कि पहली बार औरतें इतनी संख्या में आईं, आप तो आए होंगे वहाँ टीकरी वहाँ पर, बड़े संख्या में हरियाणा से भी औरतें आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसान औरतों का क्या भूमिका होगी? वो भूमिका ये है जी, उनके गैस के चूल्हे तेज कर दिए, 25 रुपये और बढ़ा दिए, और फिर सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जब घर में कुछ नहीं होगा तो औरतें पका के क्या देंगी हमें, तो हमारी गैल में कंधे से कंधा मिला कर लड़ रही है। तो आपका ये बिल्कुल मानना है कि हिंदू मुसलमान नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत लड़ाई हो रही है? सर, आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, गुलाम मोहम्मद जी, इतना चूड़ी को लेकर हंगामा होता है, कभी खाने को लेकर हंगामा होता है, कभी ये पूरे के पूरे इलाके को प्रेम को लेकर हंगामा होता है कि उसे बोलते हैं लव जिहाद, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, सब समझ गए, इनके कार्यकर्ता जो हैं इन कामों को जोड़ रहे हैं, लव जिहाद वगैरह को, ये हिंदू जो है मुसलमान लड़कियों से शादी कर रहे, मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे, तो ये सब प्रोग्राम इन्हीं का है, भाजपा वालों का। इससे पहले भी तो राज थे, कभी कोई लड़की अपनी जाति में ब्याह करे थी, अब इन्होंने लालच देते हैं किसी को। आपको लगता है इस पे हिंदू मुसलमान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होने का जी, हिंदू मुसलमान इनकी चाल को समझगा जी, ये तो हिंदू है ना मुसलमान है। किसान आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं चलते हुए, क्या लगता है कि क्या निकलेगा? नहीं, जो 9 महीने में तो हो लगता जी, बच्चा होला है जी 9 महीने में, तो 10-15 दिन ऊपर हो गए जी, अब पता नहीं सरकार क्या करेगी, मैं सुनने को तैयार नहीं है। हमें तो बहुत बड़ा टोटा पड़ रहा है इस बात से, किसान जो है अपना बॉर्डर पर पड़ा है, अपनी खेती नहीं देख रहा, अपने बच्चे नहीं देख रहा, पढ़ाई बच्चों की ख़त्म कर दी। दिल से आप बताओ कि मोदी जी या योगी जी सुन क्यों नहीं रहे, आपको क्या लगता है? भाई, हमें तो इन्होंने लगा दिया कि जब इनका कोई नहीं है तो ये सब कुछ नहीं सोचते हैं, ये भी मारे के ढाल हो जाए, 14 का कोई ना रहे, मतलब मोदी को अगर उसका औलाद होती तो उसे जब दर्द होता, योगी का होती जब दर्द होता, दोनों का नहीं है, औलाद वाले को तो हो जाए, इन्हें तो पता नहीं क्या, तो दुश्मन ये है कहानी, अडानी अबानी ले रखे दिखे को दिन उन्होंने तो, और जनता को तो मरे जीव है कहीं भी। वैसे ये हमारा विश्वास है कि हम अपनी मांग जब तक जान हमारे में है जब तक मांगते रहें। किसान में इतनी ताकत है? पूरी ताकत है जी, किसान तो ऐसा पहाड़ का फेंक देगा आपका, 22 तो आन दो, 22 में जो है ना घरों भेज देंगे जी वापस, और 24 में उसे भेज देंगे बाबा जी को। ये थे गुलाम मोहम्मद जी, हाजी गुलाम मोहम्मद, जो सीधे सीधे बता रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होने देगा किसान। महापंचायत से पहले जो तैयारी है उसमें जो सबसे बड़ा डर इस इलाके में था, 2013 यहाँ देखा है जिस समय इस इलाके को जलाया गया था, जलाने वाले मंत्री बने, बहुत प्रमोट हुए। आज जो सबसे बड़ा सवाल किसान आंदोलन के सामने है कि इस हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उस लड़ाई को वो आगे कैसे बढ़ाए और उसमें हिंदू मुसलमान की नफरत को कैसे ना घुसने दे। और आपकी बात सुन के लगता है कि किसान आंदोलन पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत हुआ है,
इन 9 महीनों ने बहुत सबक सिखाया है किसानों को।